फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी सब्जी जिसे देखकर फीलिंग बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इसकी सब्जी बना के खाते हो तो वो खाने में बहुत यम्मी लगती है। ये सब्जी है कुंदरू की या टेंडली की। परवल जैसी होती है, पतली पतली होती है, लेकिन ये खाने में हल्की खट्टी होती है, बट इसकी सब्जी बहुत यम्मी होती है। इसे आप बहुत तरह से बना सकते हो, अलग अलग वर्जन है बनाने के। मैं आज आपको अपना वर्जन दिखाती हूँ, टिंडली या कुंदरू आलू प्याज की सब्जी। हल्की सूखी, हल्की गीली, खट्टी, तीखी, मिक्स फ्लेवर की ये सब्जी आपके खाने को कंप्लीट करती है। प्लस जो नॉर्मल की डे टू डे सब्जियां होती है, उससे अगर आपको कुछ अलग खाना हो तो वो भी हो जाता है। तो लेट्स सी, कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए या कुंदरू प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। कुंदरू प्याज की सब्जी के लिए हमें चाहिए कुंदरू। इन्हें मैंने एक एक कुंदरू को चार हिस्सों में स्लिट करके काट लिया है। दो छोटे आलू या एक बड़ा आलू स्लाइस किया हुआ, अनियन बड़े बड़े साइजेस में कट किया हुआ, एक मीडियम टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए राई, गरम मसाला और ये हमारे बेसिक बेसिक मसाले, कुछ नहीं, नमक, मिर्च, धनिया, किचन किंग मसाला, जीरा, आमचूर पाउडर, दैट्स इट। इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल और एक कढ़ाई और एक स्पून, दैट्स इट। टेंडली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम राई और जीरा डालकर इसे अच्छे से भुन जाने देंगे। जब ये भुन जाएंगे तो इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे 15-20 सेकेंड के लिए, और उसके बाद इसमें हम हमारे आलू को ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए हिला हिला कर सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर फुल रखेंगे। जब हमारे 1 से 2 मिनट हो जाएंगे, हमारे आलू हल्के से भुन जाएंगे, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चॉप किए हुए अनियंस, और गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और अनियन को भी अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स करके सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और जब हमारे अनियन हल्के से सॉफ्ट होने लगेंगे और कलर चेंज करने लगेंगे, तब हम इसमें हमारी कटी हुई टेंडली को भी ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे और फिर इसे सीजन करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट से। सॉल्ट डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारे टेंडली या आलू प्याज नीचे चिपके ना, क्योंकि ये हमारी एक सूखी सब्जी है, मिक्स सब्जी है, थोड़ी सूखी थोड़ी गीली, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सब्जी हमारी नीचे ना चिपके। जब हमारी टेंडली कुछ हल्की पकी हुई हो जाए तब इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके टेंडली नहीं पकी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ड्रिजल कर सकती हैं, और साथ में ही हम इसमें हमारे बाकी के सारे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, नमक हम डाल चुके, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, किचन किंग मसाला, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ ही टेंडली को हम और पकने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि इसे हमें बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो टेंडली हमारी चिपक जाएगी और वो जल सकती है। इसे कुछ 10 मिनट तक हमें पकाना है, 10 मिनट में हमारी टेंडली तैयार हो जाएगी और इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। और हमारी टेंडली की इजी, यमी और जल्दी से बनने वाली सब्जी तैयार है। जब आपको कुछ हेल्दी खाना हो, कुछ डिफरेंट खाना हो, तो टेंडली की सब्जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू हैव। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, आप लोगों ने रेसिपी इंजॉय की हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।